दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कोई एक बार झांसा दे सकता है, बार बार नहीं। एक बार केजरीवाल ने जनता को झांसा दिया और उसके बाद नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने यहाँ पर एमसीडी का चुनाव जीता है और आज सातों सांसद बीजेपी के हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता कानून पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, इसे लेकर लोग भ्रम में ना रहें। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुस्लिमों में इस कानून को लेकर गलतफहमी है, इससे डरने की जरूरत नहीं। हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीएए को लेकर कहा है कि इससे तीन देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय मिला है। सीएए के खिलाफ कुछ विपक्षी दल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से देश में बंटवारा हुआ है। बिहार में एनपीआर पर घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का हवाला देते हुए बताया है कि एनपीआर को साल 2020 में अपडेट किया जाएगा। इसके लिए बिहार में आंकड़ों का संग्रहण आगामी 15 मई से 28 मई के बीच किया जाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के वृद्धाश्रम में जनता दरबार लगाया। दूरदराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सक्षम अधिकारियों को उनके मामलों को हल करने के निर्देश दिए। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के खिलाफ एडीजी 6 की कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर एडीजी 6 धीरेन्द्र कुमार ने आजम खान को झटका देते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से दो बच्चों का कानून लाने की मांग की है और कहा है कि इससे देश में हिंदू सुरक्षित होंगे। तोगड़िया ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को अगर देश में जगह मिलेगी तो उन्हें खुशी होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि यूपी में सीएए के विरोध में किए गए प्रदर्शनों में बिना जांच पड़ताल के ही निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। यूपी सरकार इनको तुरंत छोड़े और उसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी हमेशा नौटंकी ही करती हैं। उन्हें अगर पीड़ा होती तो वो राजस्थान की कोटा जाती। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, जहां पर बच्चे मर रहे हैं उन परिवारों के आंसू पोंछने के बजाय दंगा बलवा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति प्रियंका गांधी का प्रेम उमड़ रहा है। 5 साल की रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा में हिस्सा लेने दिल्ली हाथ पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए बजट को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इससे सरकारी स्कूलों के 96% परिणाम आए हैं। 93% घरों में पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है। मेरठ में सीए पर हुई हिंसा मामले में अब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ मिला है। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीजी जोन मेरठ प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि किसी भी निर्दोष को सताया नहीं जाएगा। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो को लेकर समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 5 से 8 फरवरी को पहली बार लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा। यूपी के संभल में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी समेत अमेरिकी हमले में मारे गए सैनिकों की मौत पर कैंडल मार्च निकाला गया है। सिलसी के बारगाह मोहल्ले में शोक सभा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की सीमा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी घुस आए हैं, जिसको लेकर रेंज में हाई अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दो आतंकवादी उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और ये इंडो नेपाल भारत के जिले की सीमा से नेपाल भागने की फिराक में हैं। इनकी तलाश में बस्ती रेंज समेत पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
देहरादून में स्कूलों में खुशनुमा माहौल तैयार करने और बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक स्थितियां बनाने की कोशिश में सीबीएसई ने एंगल फ्री जोन बनाने की पहल की है। इसके तहत शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ को गुस्सा नहीं करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड वन विभाग के तहत आने वाले कैंपा प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों ने कैंपा प्रोजेक्ट्स के लिए अगले वित्तीय वर्ष को लेकर 250 करोड़ रुपए के एनुअल एक्शन प्लान प्रस्तुत किए हैं, जिसमें मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एक्शन प्लान में कुछ जरूरी संशोधन के दिशा निर्देश दिए। देहरादून में पर्वतीय जिलों में 70% शिक्षकों के पद भरे बगैर ही विभाग ने चार जिलों के मैदानी क्षेत्रों में चहेते शिक्षकों के तबादले कर दिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शिक्षकों के तबादले किए हैं। शिक्षकों के तबादलों को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश है, विभाग में उसका पालन किया जाएगा। चंपावत जिले में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना अब बंद होने की कगार पर है। सहकारिता भवन के दो कमरों में चल रही कैंटीन पिछले तीन दिनों से बंद है। कैंटीन चलाने वाले गिरधर सिंह ने बताया है कि पिछले 9 महीने से उन्हें थाली में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिल पाई है। मसूरी में देर रात तक कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मसूरी देहरादून मार्ग को खोल पाया। इस दौरान कई वाहन बर्फ में फिसलने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। घंटों तक भी जेसीबी मशीन मौके पर नहीं पहुंची। उत्तराखंड के औली में 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच राष्ट्रीय स्कीइंग की प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के स्कीइंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उत्तरांचल स्कीइंग एसोसिएशन को प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी दी गई है। नए साल पर देवप्रयाग तहसील के 28 गांवों को तोहफा मिल गया है। इन गांवों को देवप्रयाग तहसील से अलग कर कीर्तिनगर तहसील में शामिल कर दिया गया है। विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने बताया है कि क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो कि अब पूरी हो गई है। लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश में 40 कैमरे लगाए गए हैं। मैलानी रेंज में लगातार बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिसको देखते हुए बाघ को घेरने के लिए वन विभाग ने कैमरे के जरिए अब बाघों पर नजर रखी है। हल्द्वानी में लालकुआ नगर पंचायत में करोड़ों की लागत से 12 साल पहले गरीबों के लिए 100 घर बनाए गए। दो सरकारें आकर तीसरी सरकार ने भी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन गरीबों को अभी भी पक्की छत नहीं मिल पाई। हालांकि अब नगर पंचायत लालकुआ के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह का कहना है कि वो तुरंत गरीबों को उनके घर आवंटित करने का कार्य करेंगे। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हिमगिरी एक्सप्रेस को टूटे स्प्रिंग के सहारे ही रवाना कर दिया गया। यही नहीं, ट्रेन के गार्ड के मना करने के बाद भी रेल अधिकारी नहीं माने। इस दौरान करीब 1 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में पेड़ पर चढ़ा अजगर देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे तैसे करके अजगर को पेड़ से नीचे उतारा, जिसके बाद वो झाड़ियों में भाग गया। जौनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मड़ियाहू कोतवाली में मुस्लिम लड़के ने पास के ही हिंदू लड़की को भगाकर शादी कर ली, जिसके बाद लखनऊ से दोनों ने वीडियो वायरल कर दिया है। पुलिस के ऊपर लड़के के परिजनों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा है। फरुखाबाद में ग्रामीणों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को खंभे से खुलकर थाने भिजवाया, जिसके बाद बच्चे के पिता ने थाने में अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जौनपुर के सुरैरी थाने में शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक ने एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पुलिस के पूछताछ का तरीका युवक को बेकार लगा, जिसके बाद उसने सिपाही की लाठी से पिटाई कर दी। आगरा के सदर थाना के देवली रोड इलाके में खुलेआम युवकों की दबंगई देखने को मिली है। युवकों ने घर में घुसकर बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी बेटी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना 29 दिसंबर की है। फिलहाल पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मुरादाबाद में दिव्यांग हितकारी संगठन के दो दिव्यांग किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट से पार्क में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क का यह मामला है। हल्द्वानी से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकली यात्री बस में विशाखापट्टनम शहर से लगभग 60 किलोमीटर पहले ही आग लग गई। आग लगने से यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग से यात्रियों के हताहत होने की खबर नहीं। लोहीवाला में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार का पेट्रोल पाइप फटने से कार में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरठ के कैंट स्टेशन पर खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उन्नाव पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने खुद को सेल्स टैक्स अधिकारी बताकर लोगों से पैसे वसूलने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, दो कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। कानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नवस्था थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी में यह हादसा हुआ है। उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने इलाकों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 3 असलाधारी बदमाशों ने घर में घुसकर 2 लोगों को बंधक बनाकर लूटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रयागराज के माघ मेले क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 66,000 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक 12 बोर का तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मेरठ की नीलकंठ कॉलोनी में चोरों ने बंद कोठी का ताला तोड़कर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर के घर से 8,000 रुपए कैश, सोने के गहने चोरी कर लिए। लाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ मेरठ और गाजियाबाद की खोड़ा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर हत्या के जुर्म में जेल भी जा चुका है। यूपी के ललितपुर में पेरोल पर आए एक शख्स ने अपने चचेरे भाई और भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करके आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गाजीपुर में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पकड़ने भदौरा स्टेशन पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म पार करते समय घने कोहरे होने की वजह से वो ट्रेन को नहीं देख पाए और ये हादसा हो गया। यूपी के कानपुर में 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स ने रेप किया है, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। लखनऊ में मोहनलालगंज में टीकाकरण के बाद 5 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अब ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान ने जामकरण मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराकर युद्ध के लिए अलर्ट किया है। बता दें कि ऐसे हालात में लाल झंडा फहराने का मतलब होता है कि युद्ध के लिए तैयार रहें या युद्ध शुरू हो चुका है। बगदाद में बीती रात अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर लिखा है कि उन्होंने हम पर हमला किया और हमने भी इसका जवाब दिया।
अगर वो हम पर दोबारा हमला करते हैं तो हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए दो अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं, तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में 52 ठिकाने उनके निशाने पर हैं जिन्हें वो बर्बाद कर सकते हैं। जंग की इस तनातनी के बीच यूरोपीय संघ ने अमन और शांति बहाली की अपील की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने तनाव घटाने पर जोर दिया और दोनों देशों से शांति बहाली की अपील की। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद लंबा ब्रेक लेकर भारतीय टीम आज शाम 7 बजे से श्रीलंका के साथ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज से मैदान में वापसी करेगी। सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में T20 मुकाबले से पहले चोटिल हो गए। मैच से पहले अभ्यास सत्र में कैच लेने के दौरान उन्हें बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी थी। अब देखना होगा कि कोहली मैदान पर नजर आएंगे या नहीं। ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया के स्विंग गेंदबाजों में शुमार रहे इरफान पठान विदेशों में फ्रेंचाइजी लीग के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। पठान पिछले 24 महीनों से कमेंट्री से जुड़े हैं। 2020 की पहली कॉमिक फ्लेवर फिल्म सबकुशल मंगल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तरीके से रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वही फिल्म के कलेक्शन को लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 15 से 16 लाख रुपए की कमाई करेगी।